कहते हैं जब दो व्यक्ति या कोई समूह या संगठन किसी काम करने के लिए अगर एकजुट हो जाए तो वो कोई ऐसा कोई दुनिया का कोई बड़ा काम नहीं है वो कर ना पाए। ऐसे ही कुछ कार्य उपमंडल सरकाघाट तहसील के राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पौंटा में दो छात्रों द्वारा किया गया। आपसी दोस्त है, इन्होंने खाली सीरीज को देखते हुए एक JCB मॉडल बनाया है। बातचीत करेंगे कि क्या इस मॉडल की विशेषता है और बच्चों ने किसी अपना आधार मानकर इसको बनाया है। तो हम मौजूद हैं पौंटा स्कूल में और बच्चे भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो बच्चों ये मॉडल है, इसको आप दिखाओ किस तरह काम करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं खाली सिरिंज से यह मॉडल तैयार किया गया है और हाइड्रोलिक JCB ये मॉडल का नाम इन्होंने दिया है। और जिस तरह दो दोस्त आपस में इस मॉडल को बनाने के लिए इन्होंने मेहनत की है और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि कितना बखूबी और शानदार। अगर शिक्षा का अगर छात्रों के प्रति अच्छा विचार हो तो वो शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो ऐसे ही मुकाम आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जो स्कूली छात्रों द्वारा एक अच्छा मॉडल यहाँ पर तैयार किया गया है और जो उनकी मेहनत है वो आखिरकार रंग लाई है। बातचीत करेंगे बच्चों से कि क्या इसकी आधार रहा है। बोलो, नाम बोलो अपना और क्या आपका ये जो है मॉडल है और क्या इसकी विशेषता है। माय नेम इज शिवम। ये मॉडल हमने मेरे मन में बचपन से ये था कि JCB कैसे काम करती होगी, तो उसके आधार पे हमने ये JCB बनाई। इसमें फ्यूल का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया, हाइड्रोलिक JCB इसमें वाटर का इस्तेमाल है, जिसके कारण कोई प्रदूषण नहीं होगा। और ये इसकी विशेषता है कि जल्दी से जल्दी बहुत सारा सामान जो कि भारी सामान होता है उसे जल्दी एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर रख सकती है और खुदाई कर सकती है। बड़े बड़े पहाड़ों में खुदाई करने के लिए ये बहुत काम आती है। और इसकी वजह से हमने यह सोचा कि ये कैसे बनती होगी और इसे बनाया। और इसमें सब सिंपल चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है, जैसे कार्डबोर्ड, इंजेक्शंस, कैन और ग्लूकोज पाइप्स। जो स्कूल कार्यक्रम आपका होता है RAA, हाँ उसके तहत आपने बनाया है, हाँ आगे के लिए क्या रणनीति रहेगी आपके और इस तरह के मॉडल तैयार करने के लिए? आगे के लिए भी हम कुछ और इससे भी अच्छे मॉडल इसमें सुधार करेंगे, नहीं तो किसी और मॉडल पे काम करेंगे। आप क्या कहेंगे, आपने भी इसमें अपना सहयोग दिया है? मेरा नाम आर्य है और मेरे दोस्त ने ये मेरे को बताया कि भाई जैसा ये JCB का मॉडल इसके मन में था, इसने मेरे साथ बताया कि हम ऐसा मॉडल तैयार करेंगे। तो फिर हम दोनों ने एक साथ ही ये मॉडल तैयार करे और हमने ये इसमें ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। और ये जैसे कि इसने बताया कि ये ज़्यादा से ज़्यादा वजन उठाने में सक्षम है और ये पानी से चलते ना ही कोई पर्यावरण में प्रदूषण होगा, इसलिए और ये बहुत ही फायदेमंद है। किस तरह कितना टाइम है इसको बनाने के लिए लगा आपने? इसके लिए हमें 2 दिन, क्या क्या मटेरियल इसमें लगा? इसमें इंजेक्शंस, ग्लूकोज पाइप, सेल्स और घुमाने के लिए जैसे सेल्स और ये टूथपिक कैन वगैरह ऐसे लगे, और इसे बनाने के लिए हमें 2 दिन लगे। तो देखिए कहीं ना कहीं से इन स्कूली छात्रों को प्रेरणा मिलती है, वो प्रेरणा शिक्षक से मिलती है। और जो छात्र का एक बड़ा मुकाम होता है उसके पीछे कहीं ना कहीं शिक्षक का हाथ होता है। तो इनके शिक्षक भी हमारे साथ मौजूद हैं, फिजिक्स के यहाँ पर लेक्चरर हैं। सर, जो बच्चों ने एक मुकाम हासिल किया है बेहतरीन, जैसे भी आज सरकाघाट के पूरे प्रदेश भर में ये वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे सर आप? मुकेश कुमार शर्मा, लेक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट सिंह सेकेंडरी स्कूल पोंटा। ये बच्चे दोनों ही बच्चे बड़े होनहार हैं, साइंस में हैं हमारे दोनों बच्चे ये, और +1 में ये पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो इन बच्चों ने हमारे यहाँ पे एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया गया था, जो RRA के अंडर था, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंडर। तो उसमें कम से कम यहाँ पे 50-60 मॉडल्स एग्जिबिट हुए थे। तो उसमें इन बच्चों ने अपना ये मॉडल प्रिपेयर किया था और इसमें इन बच्चों ने एक क्रिएटिविटी और एक इनोवेशंस क्रिएट की हुई है और ये वर्किंग मॉडल है। तो ये बच्चे इसके बधाई के पात्र हैं, तो मैं इनको बधाई देता हूँ। और आगे भी ये बच्चे ऐसे जो ये इनोवेशन और क्रिएटिविटी के काम है करते रहेंगे। और भी छात्र हैं, क्या कहेंगे आप, क्या संदेश बच्चों को देना चाहेंगे जो आपके सहपाठी हैं, चाहे प्रदेश की बात करें या फिर स्कूल स्तर पर, किस तरह बच्चों को प्रेरणा देनी चाहिए?
बच्चों को ऐसे अगर मॉडल बनाने हो तो उसके लिए बहुत सारा पेशेंस चाहिए होता है, तभी ऐसे मॉडल बन पाते हैं। और बच्चे किसी चीज़ को देख के प्रेरणा ले सकते हैं, जैसे व्हीकल में जो ब्रेक काम करते हैं वो भी इसी पे बेस्ड है, हाइड्रोलिक मतलब पास्कल लॉ पे। और भी यहाँ पर हमारे साथ शिक्षक हैं, सर आप क्या कहेंगे जो स्कूल बच्चों द्वारा एक अच्छा कार्य किया गया है? मेरा नाम प्रकाश है, टाइम लेक्चर इन कॉमर्स। मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि बच्चे जैसे इस तब इस फील्ड में आगे आ रहे तो इनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, और फ्यूचर में भी मतलब इसी तरह के नए नए काम ही करते रहे। जी आप क्या कहेंगे सर, आपके द्वारा एक वीडियो वायरल किया गया था। जी मैं राजेश कुमार, लेक्चर ज्योग्राफी। जी बच्चों ने बहुत ही ये उत्कृष्ट कार्य किया है और ये बधाई के पात्र हैं। मेरी ये शुभकामना है इनके लिए कि ये आगे भी इसी तरह की इनोवेशन करते रहें, और बाकी बच्चे भी छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं अगर उनको बिल्कुल डीप स्टडी उनकी करें तो उनसे भी मोटिवेट हो सकते हैं। तो इस तरह की इनोवेशन जो है इन बच्चों की तरफ से होती रहे, ये बधाई के पात्र हैं। इन्होंने हमारे विद्यालय का नाम रोशन किया है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद और ऊँचा इनको बधाई, और बुलंदियों तक ये बच्चे पहुँचे ये हमारी शुभकामना है। जी थैंक यू वेरी मच। तो ये आप देख रहे थे लाइव प्रेस टीवी की खास रिपोर्ट ये पोंटा स्कूल से, जहाँ पर हाइड्रोक्लिक यहाँ पर जो जैसे भी मॉडल है स्कूली बच्चों द्वारा बनाया गया, और काफ़ी अच्छा मॉडल आपने देखा भी है कि किस तरह से ऑपरेट बच्चों ने किया है। तो शिक्षकों को भी यही एक शिक्षक का पैगाम है कि सभी बच्चे इसी राह में बढ़े और एक अच्छी उन्नति और प्रगति के रास्ते पर चले। तो देखते रहें लाइव प्रेस टीवी में, मंडी से अश्विनी भारद्वाज, धन्यवाद।